अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक का नाम है यूरोपियन मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। और इस टॉपिक का एक और नाम है, क्योंकि जब भी हम यूरोपियन मॉडल ऑफ कंपैरेटिव स्टडी लिखते हैं हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इस टॉपिक का एक और नाम है, अगर वो नेम लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वो क्या नाम है? बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ यूरोप, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। बिल्कुल, सुसान बेसनेट की बुक का चैप्टर नंबर 2। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पहले डिस्कस करेंगे। एक है फ्रेंच स्कूल और दूसरा है अमेरिकन स्कूल। पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेंच स्कूल की। ये जो फ्रेंच स्कूल है ना, पॉजिटिविज्म पे बेस करता है, पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी को फॉलो करता है, यानी कि साइंस बेस्ड बात करता है। जो फैक्ट है उसी को मानता है, ट्रुथ को ही मानता है, उसके अलावा किसी और चीज़ को मानता ही नहीं है। ये पॉजिटिविज्म पे बेस करता है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये फ्रेंजिकली इसको गुजारा जाता है, और साथ में साइंटिफिक अप्रोच है ये एक। इसके अंदर हर हर डिटेल नोट की जाती है, इसका इन्फ्लुएंस होता है स्टडीज़ के ऊपर। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्शन, और ये बहुत रिजिड अप्रोच है। जो फ्रेंच स्कूल है ये दोनों चीज़ों पर कंडीशंस लगाता है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है लिटरेरी टेक्स्ट, और दूसरी तरफ आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन दम, यानी कि उन लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर जो इन्फ्लुएंस का रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। साथ में ये जो कंपैरेटिव लिटरेचर होता है वो लिटरेचर्स के अंदर जो प्लेसेस होती हैं मीटिंग की उसको स्टडी करता है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है और उनका लिंक होता है प्रेजेंट और पास्ट से, उसके बारे में भी स्टडी करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बात की गई है कि जो नेशंस के इमेजेस है ना वो लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, फ्रेंच लिटरेचर के अंदर, फ्रेंच स्कूल के अंदर सॉरी। और साथ ही साथ जो फ्रेंच स्कूल है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है टर्मिनोलॉजी से, और डिस्टिंक्शंस बनाता है इन्फ्लुएंस की, रिसेप्शन की, बोरिंग है इमिटेशन की। और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो बड़ा ही नोटी क्वेश्चन है, मतलब काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन रहा है थ्रू आउट फ्रेंच स्कूल के अंदर। लेकिन बहुत से मिसयूज डेफिनेशन के बाद फाइनली ये कहा जा सकता है कि जो इन्फ्लुएंस है ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि कॉन्शियस और इनकॉन्शियस दोनों वे में होती है। एक आइडिया होता है, एक थीम होता है, एक इमेज होता है, एक लिटरेरी ट्रेडिशन है, और इवन ये एक लिटरेरी टेक्स्ट की दूसरे टेक्स्ट के अंदर एक टोन भी हो सकती है। लेकिन स्कॉलर्स ने इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं छोड़ा, इन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि लिटरेरी, नॉन लिटरेरी इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अगर लिटरेरी इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसके अंदर जो कंपैरेटिस्ट होता है ना वो दो या दो से ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स होते हैं, उनके दरमियान में जो म्यूचुअल एलिमेंट होते हैं ना उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है। और जो नॉन लिटरेरी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर ऐसी टेक्स्ट आ जाती है जिसके अंदर कोई फिगरेटिव लैंग्वेज यूज नहीं होती, ना कोई इमेजरी होती, ना मेटाफर वगैरह। और लिटरेरी इन्फ्लुएंस की अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें तो अल-तहतवी हैं, एक इजिप्टियन राइटर हैं, ठीक है, सामने फ्रेंच कल्चर जो इन दोनों के प्रिंसिपल है वो नॉन लिटरेरी इन्फ्लुएंस पर बेस करते हैं। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका होता है? राइटर्स का। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में राइटर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है इन्फ्लुएंस के अंदर राइटर्स का इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। और अगर हम रिसेप्शन की बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्शन क्या है, इसमें रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ जो बातें कही जा रही हैं, सब कुछ जो भी है वो तो हवा में ही है, लेकिन जो चीज़ें रिसीव्ड करनी है ना वो रिसीवर पर डिपेंड करती हैं कि उसने कैसे रिसीव करनी है, यानी कि आप एक रिसीवर हैं, ठीक है, आपने कैसे रिसीव करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर उसने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन एंड बोरिंग, ये बेसिकली दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंच स्कूल हैं उनके अकॉर्डिंग फील्ड्स ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है। उसमें जो है ना वो हमारे पास 5 फील्ड्स आ जाती हैं। नंबर 1 पे लिटरेरी स्कूल्स एंड जॉनरास, नंबर 2 पे आइडियोलॉजिकल इकोस, नंबर 3 पे इमेज इकोस, नंबर 4 पे वर्बल इकोस, नंबर 5 पे ह्यूमन मॉडल्स एंड हीरोज। और इन सब के अंदर ना जो ये पूरी अप्रोच थी, पूरा फ्रेंच स्कूल था, बड़े फ्लॉज थे, बड़े इसके अंदर डिफेक्ट्स थे, काइंड ऑफ कह नहीं सकते कि हम लोग बड़ी अच्छा एक अप्रोच रही है, क्योंकि दे वर वेरी रिजिड, ठीक है, रिजिड थे, पॉजिटिविज्म का एलिमेंट इनके अंदर था। तो अगर आपके पास पॉजिटिविज्म का एलिमेंट था, जिसका मतलब क्या, आप सिर्फ साइंस बेस्ड बात ही करोगे, ठीक है, आप फैक्ट के ऊपर ही बात करोगे, आप जो है ना लिटरेरी टेस्ट के अकॉर्डिंग जनरलाइज फॉर्म में बात नहीं कर सकोगे, इसके अंदर आप सिंगल ट्रुथ की तरफ लिमिटाइज हो जाओगे, मल्टीपल ट्रुथ्स को नहीं दे सकोगे आप। तो जब सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिविज्म पे बेस करो तो इस तरह से जो कंपैरेटिव लिटरेचर है ना वो अपना दूसरी अप्रोचेस के साथ क्रिटिकल और एस्थेटिक जो है ना टच वो खो देगा,
ठीक है, इस बेस पे जो है ना इसकी रिजेक्शन कर दी गई थी, अमेरिकन स्कूल्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और फिर हमारे पास अमेरिकन स्कूल्स के कुछ नोशंस आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अमेरिकन स्कूल जो है वो प्रोसेस की बात करता है, जबकि हमारे पास जो प्रीवियस स्कूल था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविज्म की बात करके ऑब्जर्वेशन और एलिमेंट एक्सपेरिमेंट तक लिमिटेड था, और उनकी बात सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे थी। लेकिन इनका यकीन था कि जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बाद में आ जाती, पहले आपको प्रोसेस पे काम करना होता है। जो अमेरिकन स्कूल था वो इंटरडिसिप्लिनरी लाइक कल्चरल स्टडीज़ था, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच थी, ये रिजिड अप्रोच नहीं थी। ये फ्रेंड स्कूल के अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पे हमारे सामने आती है अप्रोच, और इसका मेन एम था कि जो कंपैरेटिव लिटरेचर को डीपॉलिटिसाइज कर दिया जाए, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इन्फ्लुएंस है ना उससे निकाल दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए, और ये यूनिवर्सलिज्म और इंटरडिसिप्लिनरी पे बेस कर रही थी। इसके अंदर दो मेन फील्ड ऑफ स्टडी आ जाती हैं, एक है पैरेललिज्म, ठीक है, पैरेललिज्म, और दूसरी है इंटरटेक्सचुअलिटी। पैरेललिज्म के अंदर ना ये इंपॉर्टेंस देती है लिंक ऑफ कैजुअलिटी को। एक इजिप्टियन बॉर्न अमेरिकन क्रिटिक था इहाब हसन, उसने ना बहुत सवेयरली क्रिटिसाइज किया कंपैरेटिव लिटरेरी स्टडी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसने इन्फ्लुएंस बेस्ड बात को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो इसलिए जो पैरेललिज्म है ना ये इन्फ्लुएंस को इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो जितनी भी टेक्स्ट है ना उनके ऊपर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बेस पे और रियलिटीज़ की बेस पे हम लोग उसको बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं इस स्कूल के अंदर। और ये कहते थे कि टेक्स्ट के अंदर इन्फ्लुएंस आ भी जाता तो इन्फ्लुएंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो है कॉन्टेक्स्ट। फिर जो स्टडी के अंदर नेक्स्ट फील आती है ना वो है इंटरटेक्सचुअलिटी, जिसके अंदर हम लोग ना रेफरेंस देते हैं गिवन टेक्स्ट के अंदर दूसरी टेक्स्ट का, न्यू टेक्स्ट को हम लोग सुपरपोज्ड कर देते हैं ओल्ड टेक्स्ट के ऊपर, और जितने भी न्यू टेक्स्ट हैं उन सबको हम लोग ओल्ड टेक्स्ट के इन्फ्लुएंस के अंडर पढ़ते हैं। इसके अंदर जो है ना मैंने बात की थी प्रोसेस की, वो यही चीज़ है कि लिटरेचर जो है ना कंटिन्यूस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ऑफ रीवर्किंग एंड रीफैशनिंग ओल्ड टेक्स्ट। जैसा कि T.S. Eliot का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट था ना कि हम लोग पहले पुराना मटीरियल लेते हैं और पुराना लेके फिर नया इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर एक और नया बन जाता है पुराने और नए से मिलकर, यानी कि एक ओल्ड टेक्स्ट लिखी हुई है, एक न्यू टेक्स्ट प्रोड्यूस की हुई है, इन दोनों को मिला के एक और टेक्स्ट बनाई जो कि ओल्ड और न्यू को लेके चलती है, ठीक हो गया ना। यानी कि जो ओल्ड टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस ना हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो पीछे फिलोसफी गुजरी है, जो पीछे मॉडल गुजरा है, फ्रेंच मॉडल गुजरा है, उसमें बताया गया कि जो ओल्ड टेक्स्ट है वो मैटर ही नहीं करती, न्यू प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर फोकस है कि आपने जो पिछली ओल्ड टेक्स्ट बनी हुई है ना उसको लेके न्यू प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो स्कूल्स फ्रेंड्स एंड अमेरिकन स्कूल्स हो गए डिस्कस, ठीक है, यही मॉडल है। अब हम इसको सुसान बेस्टनेट की बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें यही बातें रिपीट होंगी जो कि मैंने आपको पहले दो स्कूल्स अच्छे से समझा दी है ना, मेरे ख्याल से तो मैंने अच्छे से कवर करवा दिया, बाकी डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं स्कूल्स को लेकर, उन्हीं मॉडल्स को लेकर फर्दर यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग डिटेल बताई गई हुई है। सबसे पहले जी 1961 की बात है, हमारे पास ना कंपैरेटिव लिटरेचर का एसेज का ना कलेक्शन पब्लिश होता है, और इसको जिन जिन ने एडिट किया ना उसके अंदर एक नाम हेनरी रिमार्क का बहुत नोटेबल है, क्योंकि हेनरी रिमार्क जो है ना इसने फ्रेंच जो अमेरिकन स्कूल है उसको डिफाइन किया, और ये फाउंडिंग फिगर भी कहलाता है अमेरिकन स्कूल का, ठीक है। इसने कहा कि जो अमेरिकन स्कूल है उसका पर्पस क्या है कि डीपॉलिटिसाइज कर देना कंपैरेटिव लिटरेचर को, ठीक है। इसने कहा जो कंपैरेटिव लिटरेचर है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी है, और इसने क्रिटिसाइज किया फ्रेंच पॉजिटिविज्म के ऊपर। इसने एक डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन ये है, कंपैरेटिव लिटरेचर इज़ द स्टडी ऑफ लिटरेचर बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ वन पार्टिकुलर कंट्री एंड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर ऑन द वन हैंड एंड अदर एरियाज ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ सच एज द आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फिलोसफी, हिस्ट्री, द सोशल साइंसेज, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, द साइंसेज, रिलीजन एट्सेट्रा ऑन द अदर। इन ब्रीफ इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ वन लिटरेचर विद एन अदर और अदर्स एंड द कंपेरिजन ऑफ लिटरेचर विद अदर स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस। इस पूरी बात के अंदर उसने ये बताया कि जो कंपैरेटिव लिटरेचर है ना उसको हम लोग दूसरे लिटरेचर के साथ कंपैरिजन करते हैं,
और इसके अंदर ना डिफरेंट फील्स आ जाती है जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि इसकी जो एस्थेटिक अप्रोचेज है ना वो बरकरार रहें। ठीक है, तो इसने ना क्रिटिसाइज़ किया फ्रेंच पॉजिटिविज्म को, और इसने डिनाई कर दिया उस स्कूल को जो फ्रेंच स्कूल कहता था, जो फ्रेंच मॉडल कहता था। और फ्रेंच मॉडल क्या कहता था मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो रिमार्क है ना, उसका बिलीव ये था कि जो फ्रेंच अप्रोच है ना बहुत ही नैरो है, बहुत तंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो फैक्चुअल एविडेंस पर रिलाई कर रही है। और इसने कहा कि जो फ्रेंच ट्रेडिशन के अंदर इन्फ्लुएंस स्टडीज़ आ जाती है ना वो अनइमेजिनेटिव है। ठीक है, वो एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से ली जा रही है। तो इसने कहा नहीं, इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल होना चाहिए। इसने क्या किया, इसने रिजेक्ट कर दिया फ्रेंच मॉडल को, और इसने एक नया मॉडल दिया जो कि प्रोसेस बेस्ड था, यानी कि प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके इसने क्रिएटिव प्रोसेस की बात कर दी। तो कोई आपसे अगर पूछे कि जो अमेरिकन स्कूल था, अमेरिकन मॉडल था, उसका मेन जो हॉलमार्क था वो क्या था, उसका मेन हॉलमार्क था प्रोसेस ऑफ डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। और उस टाइम पे जो अमेरिकन मॉडल था उसके ऊपर न्यू क्रिटिसिज्म का भी बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत इन्फ्लुएंस था। फिर 1903 में रेले ने ना एक पेपर लिखा था, व्हाट इज़ कंपैरेटिव लिटरेचर। उसके अंदर उसने बताया कि कंपैरेटिव लिटरेचर शुड बी सीन एज नथिंग मोर और लेस देन लिटरेरी फिलोलॉजी एंड फॉर्मुलेटेड एन अर्ली वर्जन ऑफ अमेरिकन स्कूल डेफिनेशन। और इस तरह से वो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइंसेस, रिलीजन और आर्ट की स्टडी की लिटरेचर की बात करके उसने यह किया, तो उसका नेशनहुड का कॉन्सेप्ट था ना उससे वो साइड पे हो गया, और उसने फोकस किस पे किया, मेल्टिंग पॉट के ऊपर, मींस उसने यूनिवर्सलिटी को स्ट्रेस कर दिया था। फिर 1901 की बात है, पोजनेट नाम का बंदा था जो कि फाउंडिंग फादर था ऑफ एंटी पोडियन कंपैरेटिव लिटरेचर का, इसने भी एक नॉन नेशनलिस्टिक मॉडल दिया। और इसका जो एवोल्यूशनरी मॉडल था ना, उसने इसको रीटेस्ट किया और कहा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे सब्जेक्ट्स के, वो सोशल एवोल्यूशन, इंडिविजुअल एवोल्यूशन और इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द सोशल एंड इंडिविजुअल लाइफ ऑफ मैन, ये हैं। फिर जब इसने ये अपना एक व्यू दे दिया और जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो उससे न्यू वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म क्रिएट हो गया और रिजेक्शन कर दी गई फ्रेंच पॉजिटिविज्म की। और जब फ्रेंच पॉजिटिविज्म की रिजेक्शन हुई, तो उससे फॉर्मलिज्म की एक न्यू लिटरेरी टर्म, लिटरेरी थेरी आ गई, जिसमें टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग की बात की गई। और इससे क्या हुआ, जो लिटरेरी स्टडीज़ थी वो क्या कर दी गई, डीपॉलिटिसाइज्ड कर दी गई। क्या हुआ था, रिजेक्शन हुई थी फ्रेंच मॉडल की, नया वर्ल्ड आइडियलिज्म का क्रिएट हुआ था। ठीक है, और वहाँ से फिर जो स्टडी थी, लिटरेचर था, उसको डीपॉलिटिसाइज कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि जब कॉलोनियल वर्ल्ड था, ठीक है, ब्रिटिश रूल ओवर हो रहा था हर जगह पे, तो उसमें बिल्कुल कंपैरेटिव जो अप्रोच का, अमेरिकन जो स्कूल का व्यू था, उससे बिल्कुल कंट्रास्ट में जो है ना लिटरेरी स्टडी का एक व्यू दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे यह किया गया, जो कंपैरेटिव स्टडी थी ना वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पॉलिटिसाइजेशन बात कर रहा था, यानी कि जो पॉलिटिसाइजेशन थी ना लिटरेचर के अंदर, उसको स्ट्रेस किया जा रहा था, और जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच थी उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जा रहा था। जैसा कि एक बंदा है स्वपन मजुमदार, ठीक है, जिन्होंने एनालाइज किया ईस्ट वेस्ट लिटरेरी रिलेशंस को और आर्ग्यू किया कि जो इंडियन लिटरेचर है बेसिकली क्या हो चुका हुआ है, सब नेशनल लिटरेचर हो चुका हुआ है, बिल्कुल अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन काउंटर पार्ट्स की तरह। अब बात क्या थी, बात ये थी कि जो वेस्ट वाले थे ना, जो वाइट वाले थे, वो कहते थे उन्हीं को ही सेंटर माना जाए, ठीक है, वही एक्यूरेट हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो उन्हीं को ही आप सेंटर मान के, उन्हीं को ही आप बेस बनाएं, वही एक्यूरेट मॉडल है, ठीक हो गया। लेकिन जो ब्लैक्स थे, जैसा कि अभी यहाँ पे इंडियन का नाम आ गया मजुमदार, इन्होंने कहा नहीं, इनको भी राइट मिलना चाहिए, इनका अपना लिटरेचर है। इसी तरह हमारे पास फिर जो है ना डिफरेंट राइटर्स आए, चिन्वा एच भी आया, जिसने कॉलोनियलिस्ट जो है कॉलोनियलिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की, और इसने बात की कि नहीं, हमारे जो व्यूज़ है सेम वही व्यूज़ है जो कि मजुमदार के थे, कि इनको भी सेपरेटली लिटरेचर को रिकॉग्नाइज किया जाए, और कहा कि हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले नहीं हैं।
फेका में अम्यूटा नाम की मंदी आई जिसने देखा कि जो कंपैरेटिव लिटरेचर है उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो क्वेश्चनिंग करे यूनिवर्सलिज्म के ऊपर, जो कि एक इनजस्टिस था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर फिर उसके बाद लिटरेचर जो है कंपैरेटिव वो ग्रो हुआ, बढ़ता गया, जो यूरोप था वो मोनोलिंगुअलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया था, हर जगह इंग्लिश फैलती गई थी, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी लैटिन और ग्रीक वगैरह इन सब की जो है वो डिक्लाइन हो गया था। फिर जो टेक्स्ट थी उनको ट्रांसलेट कर दिया गया था, जैसे कि इलियट को देख लिया, ट्रांसलेट कर दी गई है, और इससे क्या हुआ था, जब ट्रांसलेशन की गई तो इससे ट्रांसलेशन स्टडीज़ को राइज मिला। फिर उसके बाद जिस तरह ओल्डर कंपैरेटिव लिटरेचर था वो ख़त्म होता गया, उस तरह से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कल्चरल और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर राइज आता चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो एक कंप्लीट। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ यूरोपियन मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, तो आपने सिंपली बताना है फ्रेंच मॉडल है और अमेरिकन मॉडल है, और थोड़ी सी आपने हिस्ट्री को डिस्कस कर देना है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।